तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना बॉलिंग रन अप और बॉलिंग लाइन और लेंथ अच्छी कर सकते हैं। मुझे टिकटॉक पे भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और यूट्यूब पे भी कि आप लाइन और लेंथ पे बॉलिंग। आज की वीडियो लाइन और लेंथ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तो रन अप शॉट लेना पड़ेगा। शॉर्ट रन अप लेके आपको माइंड में एक जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि विकेट पे कि मैंने यहाँ पर बॉल करना है। तो अपने माइंड में पहले एरिया सेलेक्ट कर लें और हो सकता है तो अक्सर वो कॉन्स मिलती हैं वो रख लें और उस एक एरिया पे प्रैक्टिस करें। यानी कि आपने यॉर्कर करना है तो उसे आगे रख के जहन में भी यही रखें कि मैंने यॉर्क करना है और बॉल को यहाँ से कान के पास से यानी कि हाथ इधर आए आपका हाथ जब रिलीज करें तो अच्छा यॉर्कर होगा और उसकी प्रैक्टिस करें। तकरीबन आप रोज़ घंटा एक तो एक लाइन को देना वो ऑफ स्टंप पे करें। बाउंसर वो असल में विकेट्स के देखा जाता है, कहीं पे कच्चा विकेट होता है तो आपको रिलीज करने पड़ती हैं, आधे यॉर्कर्स करने पड़ते हैं, पीछे बॉल तो उधर नहीं निकलता। तो सीमेंटेड विकेट पे तेज विकेट ऐसे होते हैं गोली निकालते हैं पीछे टप्पल जाए तो इसी तरह आपको हर लाइन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। विकेट पे कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं जैसे कौन मिलती हैं इस साइड पे रख लें, ऑफ स्टंप पे करनी है तो उसे उधर ही रख के, या कोई और भी चीज़ रख सकते हैं, निशान लगा सकते हैं तो उस पर आप यानी कि बॉलिंग कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उस एरिया में आपका हाथ एंगल सेट हो जाएगा। तो अगर आपने यॉर्कर करना है आगे कोई चीज़ रख लें विकेट पे और इतना है सके उस लेंथ पे बॉल करें। पहले तो पहली बात यह है टेप बॉल में आप विकेट को देखें कि विकेट क्या कहती है। सिमेटेड विकेट है उसमें बाउंस है तो आप उस एरिया पर बॉल करें जहाँ पर बहुत बाउंस होता है। और अगर उसमें ज्ञान नहीं है फिर आपको पक्के यॉर्कर्स करने चाहिए, चेंज ऑफ पेस भी करना चाहिए अगर वहाँ पर कामयाब रहते हैं। विकेट्स का जो आपका फास्ट बॉलिंग का रनअप है वो शॉर्ट कर लें, हो सकता है तो दो तीन कदमों पर डर रहे और एक एरिया माइंड में सेट करके कि मैंने उधर बॉल करना है और उधर ही बॉलें करते रहे। इसलिए इससे यह आपका रनअप जब लंबा हो जाता है तो अक्सर बॉलर जहाँ उनका लॉन्ग लेंथ पर कंटेन नहीं रहता तो रनअप शॉर्ट करके बॉलें करें, अच्छे यॉर्कर्स करें, अच्छे बाउंसर्स करें। ऑफ साइड पे अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसी लाइन पर बॉल करें जहाँ आप करना चाहते हैं एरिया सेलेक्ट करके। तो पहले तो आपको विकेट देखनी चाहिए, टेप बॉल में आपको विकेट देखनी पड़ती है तो विकेट क्या कहती है। अगर उस पर बाउंस अच्छा होता है बॉल लेंथ से अच्छा बॉल नहीं करता और या आप उसमें विकेट में जान नहीं है तो आपको यॉर्कर्स भी करने पड़ जाते हैं। तो पहले विकेट्स को देखें, विकेट्स क्या जाती है, फिर टेस्ट अंडरस्टाइल विकिंग के बाद में किस एरिया मजबूत है और किस में नहीं, शॉर्ट डाउन अप करें और एरिया सेलेक्ट करके उसी में बॉलिंग करो। और विकेट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा यॉर्कर्स करें, आगे यॉर्कर्स करेंगे आपका पेस भी ठीक होगा। और अगर आप ओवर बॉलिंग करते हैं यानी कि तीन तीन घंटे इससे भाई आपका पेस लूज होगा। तो थोड़ी बॉलिंग करें लेकिन एरिया सेलेक्ट करके समझ के बैट्समैन को विकेट को उस एरिया में बॉल करें और प्रैक्टिस करें। ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेस डाउन हो जाएगा, मसल भी आपके लूज हो जाएंगे, आपकी बॉलिंग में वो जान नहीं रहेगी। तो आज की टिप्स यही थी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरा पेज फॉलो करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।